ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी का मायने टीम इंडिया की सी टीम की ओर से खेल रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बात करें तो बीसीसीआई ईशान किशन ने कोई भी टीम में जगह कुन दी नहीं। लेकिन अब टीम इंडिया का बाएं हाथ का बल्लेबाज ईशान किशन ने इंडिया की सी टीम से खेलता देख के सका सा चौंक गया। तो अब आप ये वीडियो में बात कर सियां कि आखिरकार ये बात हुई कि ईशान किशन ने अचानक टीम में शामिल कर लिए हुए। तो सबसे पहले थाको आपका अपना YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं आशा करूं कि यो वीडियो थे लास्ट तक देखेगा और साथ ही चैनल ने सब्सक्राइब भी करेगा। दरअसल अब अगर बात करें ईशान किशन के बारे में तो ईशान किशन ने बीसीसीआई पहले ही सेंट्रल काउंटर से बारह कर दियो और साथ ही साथ ईशान किशन ने बीसीसीआई दिलीप ट्रॉफी का भी कोई भी टीम के अंदर कुनी चुनियो। लेकिन ईशान किशन ने नहीं चुनना के पीछे ईशान किशन की चोट साफ नजर आ रही है। ईशान किशन पहला मैच में चोटिल होने के कारण टीम इंडिया की सी टीम से कुनी खेल सके, लेकिन दूसरे मैच में ईशान किशन आपकी चोट से उभर की टीम इंडिया की सी टीम में वापसी करी है। और अब जय ही दूसरे राउंड में दिलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया की सी टीम से ईशान किशन खेलो तो सब ईशान किशन देख के चौंक गया। सगला का मन में एक ही सवाल आयो कि अगर जब ईशान किशन टीम में एक नाम ही कुने हो तो ईशान किशन टीम में कहीं खेल सके। ईशान किशन के बारे में अगर आप बात करा तो ईशान किशन अफ्रीका के दौरे के बाद से ही टीम से बहुत दूर है और टीम से दूरी बनाने के कारण ईशान किशन ने टीम इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ दोनों पड़ गए। बीसीसीआई हाल ही में आया रणजी मैच में भी ईशान किशन ने खेल को सुझाव दियो, लेकिन ईशान किशन वो ऑफर ठुकरा दियो और ईशान किशन घरेलू मैच यानी कि रणजी मैच को नहीं खेला। और इन सब के चलते ही ईशान किशन ने टीम में भी जगह को नहीं मिल रही। लेकिन अब जब 12 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई तो ईशान किशन टीम इंडिया की सी टीम में आपको पहले ही मैच में धमाल मचा दियो और एक बार फिर से ईशान किशन टीम इंडिया का दरवाजा पर लात मार दी है। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करी है और आपका पहले ही मैच में ईशान किशन शतक मार दियो। लेकिन ईशान किशन टीम के सागे एक विकेट कीपर के तौर पर नहीं जुड़की एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की सी टीम में पहले ही विकेट कीपर के तौर पर अभिषेक पोरल मौजूद है। यही वजह है कि ईशान किशन टीम में नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आयो और शतक मार दियो। ईशान किशन आपकी पारी में 120 गेंदा में 14 चौका और 2 छक्का मार के शतक जमायो। ईशान किशन का अगर भारत के लिए बात करें तो ईशान किशन भारत के लिए अब तक 2 टेस्ट मैच साथ ही 27 वनडे मैच और 32 टी20 मैच खेल चुके हैं। ईशान किशन का नाम अब तक तीनों फॉर्मेट में कुल मिला के 1 शतक है और वो भी शतक नहीं बल्कि वनडे में 2 शतक है। और अगर बात करें ईशान किशन का फर्स्ट क्लास मैच के बारे में तो किशन अब तक 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और इन 50 फर्स्ट क्लास मैच में ईशान किशन 6 शतक मारेंगे। लेकिन अब अगर बात करें कि ईशान किशन ने अगर आपकी जगह टीम में पक्की करनी है तो 1 शतक से काम को नहीं चले, क्योंकि ईशान किशन के सामने बहुत सारी चुनौती उबाली है। अगर ईशान किशन टीम में ओपनिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ईशान किशन से पहले ही टीम में ओपनिंग का विकल्प के लिए ऋतुराज गायकवाड़, शुभम गिल और सागे सागे जायसवाल भी मौजूद है, यानी कि ईशान किशन से पहले टीम में 3 भी और धुआंधार खिलाड़ी है। तो अगर ईशान किशन ने ओपनिंग में जगह बनानी है तो इन तीनों से बहुत ही बढ़िया खेल दिखाना पड़ेगा। और सागे सागे अगर आप बात करें तो ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ उबाले 19 सितंबर से टेस्ट मैच में जगह को नहीं मिली है। तो ईशान किशन का क्रिकेट करियर पिछले कुछ साल में बहुत नीचे आके गिर चुके हैं। तो ईशान किशन ने अपने करियर ने वापस दोबारा से पटरी पर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब अगर आप 19 सितंबर से उबाले टेस्ट मैच के बारे में बात करें जिसके लिए टीम इंडिया को ऐलान हो चुके हैं, और अगर थाने भी टीम के बारे में बताऊं तो टेस्ट टीम की कप्तानी रोहित शर्मा का हाथ में दिए डी है। सागर ओपनिंग का विकल्प के रूप में 2-2 खिलाड़ी यानी कि जायसवाल और शुभम गिल ने रखे हैं। एक बाद में टेस्ट टीम में विराट कोहली और सागर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और सरफराज खान ने भी मुकुट दिए हुए हैं। आगे अगर टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की टेस्ट टीम में विकेट कीपर के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जोरियाल ने मौको मिले हैं। सागर ऑलराउंडर में यानी कि टेस्ट टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर आर अश्विन और जडेजा भी टीम में शामिल करेंगे। एक सागर सागर टीम में अक्षर पटेल और बॉलिंग के रूप में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह तो है ही है। एक अलावा भी 2 नए खिलाड़ी यानी कि आकाशदीप और यश दयाल भी टीम में मौको मिले हैं। तो यही बात टीम है जो कि 19 सितंबर ने बांग्लादेश की टीम के सागे पहले टेस्ट मैच में भिड़ेगी। इन 16 सदस्यों में से 11 खिलाड़ी भी होगा जगह बांग्लादेश सागे पहले टेस्ट मैच में उतरेगा। टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच 19 सितंबर ने होगा और सागे दूसरे टेस्ट मैच 23 सितंबर ने खेलो जाओगे, जिसके लिए टीम इंडिया आपकी फुल तैयारी सागे मैदान पर उतर वाली है। सागे बांग्लादेश की टीम भी फुल कॉन्फिडेंस सागे आवेगी, क्योंकि बांग्लादेश टीम हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने सीरीज हरा की टीम इंडिया के सामने सीरीज खेलना आवेगी। तो जाएंगे सामने बेरवी है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया के सागे पूरे जोर सागे खेलेगी, क्योंकि बांग्लादेश टीम हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने गरजा की आई है। तो आज का ये वीडियो में इतना ही। अगर था ये वीडियो चोखो लग गयो है तो वीडियो लाइक जरूर करियो और साथ गई अगर भी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो।